अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग मैं पहली इफ्तारी का बना रही हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लिए, कढ़ाई में तेल और थोड़ा सा जीरा बोल रहे हैं राई और एक कप बीन्स बारीक सी कटी हुई, देखो तो चिरपुर चिरपुर आवाज़ दे रही है। अच्छा सर सौते कर लेना है उसको। बीन्स थोड़ी सख्त रहती ना, इसलिए तो पहले तेल में थोड़ा भून लिए तो उसको नरम पड़ जाती। और बीन्स के बाद एक कप कैरेट, एक या आधा कप कैरेट, आपकी जितना फिलिंग आप बनाना चाहते हैं कितने लोगों के लिए उतना। मैं तो आराम से 25-30 समोसे बना लिए। अच्छे से भून लेना है उसको भी, कैरेट को भी। और आप अब बताइए कौन कौन इफ्तार में समोसा चाट्स ये पूरा पसंद करते? मुझे तो मीठा पसंद नहीं है और हमारे घर में कोई भी मीठा उतना पसंद से नहीं खाता। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मटर और उसको भी अच्छे से भून लेना है। और ये है 1/2 कप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अच्छे से सबको भून लो। लाइट से, कुछ फीका नहीं, तेज़ नहीं, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, लाइट से फीका रोस्टर को फीका समोसे लाइट से। ना स्पाइसी वाला मत बनाओ, क्योंकि स्पाइसी वाला बनाओ तो आजकल तो गर्मियों का मौसम है, मौसम में तो फिर पानी की सॉस लगती है। ये है अब आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको डाल के अच्छे से तल लीजिए। अच्छा से जब जितना देर वो बास नहीं रहती जिंजर गार्लिक पे, जितना देर भून लीजिए। तेल भी कम डाल लीजिए क्योंकि समोसा फिलिंग्स में अगर तेल ज़्यादा हो गया तो वो पिच रहता, जिब रहता, खाने का मूड भी नहीं रहता, इसलिए थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से भून लीजिए मसाले को। अच्छे से भूनने के बाद थोड़ी देर तक अच्छे से भूनिए, सिम में भूनिए। और इधर मैं डाल रही हूँ एक चम्मच से भी थोड़ा कम नमक, थोड़ा कम ही डालिए समोसे में। मैं तो वो समोसों की पट्टी रहती ना वो लाके बना रही हूँ, उसमें ऑलरेडी नमक रहता तो इसलिए तो आप देखकर डालिए नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। मैं तो नमक कम ही डाल रही हूँ और मसाला भी कम ही डाल रही हूँ, पहले ही गर्मी का सीज़न इसलिए तो पूरा स्पाइसी सब कुछ कम ही रखी हूँ, क्योंकि रोस्टर को तकलीफ नहीं रहना चाहिए। और 1 कप कैबेज है, फाइनली चॉप किया हुआ कैबेज। मैं पहले से बना के फ्रीज़र में कुछ नहीं रखती, जब का जब बनाती रहती हूँ रोज़ का रोज़, वही बेस्ट रहता। फ्रीज़र में बनाओ रखो वो मुझे उतना टेस्ट पसंद नहीं आता। हाँ कुछ लोग बनाते इट्स ओके, बट मेरे लिए तो ठीक नहीं है, घर वाले कोई पसंद भी नहीं करते। अच्छे से भून लीजिए इधर मसाले को। और सब लोग कमेंट करके बताइए आपके शहर में कितनी टेम्परेचर है और कैसा रहा आपका सबका रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी ठंडे से जा रहे हैं रोज़े, हाई टेम्परेचर है 40-42 तक जा रहा है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि सबके रोज़े आराम से जा रहे। उम्मीद है कि आगे भी सब लोगों के रोज़े अच्छे से जाए। और दुआ कीजिए सबके रोज़े, सबके तकलीफ़ों, सबके सगीरा और गबीराओं के गुनाहों को माफ़ फरमा, और सबको लिए दुआ कीजिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 से कम चम्मच मिर्ची का पाउडर, रेड चिली पाउडर, और थोड़ा 1/4 चम्मच हल्दी डाल के अच्छे से भून लीजिए। ना इधर कुछ ना गरम मसाला यूज़ हो रहा है, ना इधर चाट मसाला, ना आमचूर पाउडर, कुछ भी यूज़ नहीं आ, सिंपल सा बना रही हूँ। मसाले का अच्छे से भून लीजिए, वो बास ना रहे तक। मसाले की थोड़ी लाल मिर्ची की थोड़ी बहुत बास रहती कच्ची बात, जब तक वो बास नहीं है जब तक वो भून लीजिए। और मैं धनिया पाउडर भी यूज़ नहीं कर रही इधर, ज़ीरा पाउडर भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि रोज़दार को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, अगर तकलीफ़ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी रोज़दार को। कैसा बनाते हैं कमेंट में बताइए। और ऐसे इस रेसिपी को भी ट्राई कीजिए सिंपल सा वाला। और
नेक्स्ट टाइम मैं और रकम दूसरे टाइप से भी मैं बताऊंगी, बट दिस इज़ द वन बेस्ट फॉर द रोज़ा रहने वालों को। मैंने तो जहर के नमाज के बाद तो चाली किया, तो इस असर की नमाज तक तो पूरा ख़त्म हो गया। और आप बोलिए आप कितने बजे आप स्टार्ट करते इफ्तारी बनाना और कब तक ख़त्म होता? और नमाज, रोज़ा, कुरान पढ़ना, इबादत करना और सब कुछ रहता। हाँ, इधर अब हम लोग समोसों फिलिंग करें, ये है समोसों का पट्टी शिफ्ट वाला रहता ना, वो अच्छा रहता। मैं हमेशा कि आई थिंक लगभग 10 ईयर्स से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रहता। अब मार्केट में उससे पहले भी था मगर उतना लोगों को नहीं मानता, बट वो सऊदी का ब्रांड है ना, इट्स। अब देखिए वो निकल रहा ही नहीं है, हम लोग कितना कुश्ती करते हैं, मैं और छोटी बहन। देखिए मैं तो नहीं निकल पाई और मेरी बहन डाल के खींच रही, दम लगा के ऐसा बोल के खींच रही है उसको, देखो खींच के कितना खींच रही। वो एक्चुअली वो फ्रीज़र में रहता ना तो वो टाइट रहता, इसलिए ये देखिए इसका ब्रांड को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आपके सुपरमार्केट। ये देखिए इधर फोल्डिंग की टेक्निक है, ऐसा कोन टाइप बनाकर उसमें फिलिंग को फिल करना है। ऑलमोस्ट 2 चम्मच भर सफिशेंट होगा एक आदमी के लिए और उतना ही माय फिल होगा उसमें। अच्छे से दबाकर फिर ऐसा वो पट्टी को ऐसा फोल्ड करना है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, फिर वही ट्रायंगल शेप में बनाना है। और फिर ये जो बचा हुआ है ना वो मैदे का जो आटा बना के रहते हैं ना उसको लगाकर पैक करना है, जिधर भी खुला हुआ है उधर पैक कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह दिखने में बहुत सुंदर थे और बहुत भी मज़े के भी थे। देखिए कितने इजी से बना लिया हम लोग। हाँ मैं एक शायद मैं आपको दिखाई नहीं, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है आपको समोसा फाइनल लुक वाला, आप ट्राई कीजिए एक बार। यहाँ पर तेल में, गरम तेल में हाँ तलते हुए समोसे, डूबते हुए समोसे तेल में कितने प्यारे लगते हैं ना, एक में एक एक के बाद एक के बाद जब छोड़ रहे हैं समोसे तेल में। हाँ लगभग एक बैच में 7 या 8 समोसे तले जाएंगे, मेरी कढ़ाई तो बहुत बड़ी है। माशाल्लाह दिखने में कितने प्यारे दिख रहे थे। और उसके बाद उस वही पट्टी में हम लोग छोटे छोटे समोसे भी बनाए थे, जैसे पनीर वाले बच्चों के लिए, उनको तो इसमें इतने बड़े नहीं और छोटा मिनी साइज़ वाला समोसा बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए बच्चे बोले नहीं हमको छोटा चाहिए, तो इट्स ओके उनके लिए तो हम छोटा बना के दिए। मैं एक्चुअली नहीं खा रही, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डालने की कोशिश करूँगी वो भी। देखिए ये हो गया, ये क्या उल्टा आ गया, ऐसा देखना पड़ेगा शायद। गोल्डन ब्राउन हो तक तलिए, आराम से एक एक करके निकालिए समोसों को, जल्दी नहीं क्योंकि तेल का मामला है, अगर तेल स्पिल हो गया तो गए काम से। देखिए ये समोसे कितने अच्छे दिख रहे हैं। और इधर देखिए माशाल्लाह हम लोग अब दस्तरखान बिछाए हुए और ये लड़का निकाल रहा है मेरा बहन का हलीम, और ये जूस है ऑरेंज, रूह अफ़ज़ा भी है मगर उनको ऑरेंज जूस पसंद था। सब देख सकते हैं आप लोग क्या क्या था। चलिए मैं इधर ब्लॉग को एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। पर दुआ में याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया।